नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपका आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले में, जहां पर राजस्थान और गुजरात की टीमें एक दूसरे का सामना कर रही हैं और अब देखते हैं क्या हो पाएगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम 14 साल के बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। पहले सीजन को जीतने के बाद दोस्तों राजस्थान की टीम लगातार स्ट्रगल करती रही पूरे सीजन में। पहली बार फिलहाल के लिए फाइनल में पहुंची नजर आ रही है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो पहला सीजन ही खेल रही है गुजरात की टीम। अब देखते हैं, फिलहाल पहली गेंद गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद शमी लेकर आएंगे, सामना करेंगे दोस्तों वो है जॉस बटलर का। और पहले ही गेंद पर जबरदस्त तरीके से छक्के के साथ शुरुआत की है जॉस बटलर ने, जॉस द बॉस ने, और यहाँ पर गेंद को दोस्तों पहुँचा दिया है सीधा 6 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत ये शॉट जॉस बटलर का आता हुआ, शमी की गेंद थी, आगे बढ़े और गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। उस रूम में अगली गेंद करने को तैयार रहेंगे फिलहाल के लिए जॉस बटलर। और यहां पर आती हुई एक और शॉट और एक बेहतरीन छक्का और जॉस बटलर के बल्ले से पहली 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत छक्के, जबरदस्त शॉट, 2 गेंदों पर 2 छक्के, कुल मिलाकर हो चुके हैं 12 रन। जबरदस्त यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी होती हुई, खूबसूरत क्रिकेट। चलिए तीसरी गेंद आते हुए दोस्तों यहाँ पर इस समय पे एक बार फिर से तैयार रहेंगे जॉस बटलर। और यहाँ पर इस बार चौका लगाया जॉस बटलर ने, 2 रन की कॉल की है, यार क्या 2 रन मिल पाएगा, लेट्स सी। डाइव जरूर लगाया है लेकिन दोस्तों विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मेरे हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पहला झटका लगता हुआ राजस्थान की टीम को, पहला विकेट इस समय पर गिर चुका है। संजू सैमसन के रूप में विकेट आउट हो गए हैं। चलो दोस्तों, यंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है अरे 2 गेंदों पर छक्का लगाने के बाद यहां पर अगली गेंद करने को तैयार रहेंगे। और इस मरतबा बिल्कुल भी चूके नहीं जॉस बटलर और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत ये शॉट, पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के आते हुए यहाँ पर, और कुल मिलाकर हो चले 19 रन। लेट्स सी अगली गेंद आती हुई दोस्तों, एक और छक्का आता हुआ, बहुत बढ़िया, शानदार बल्लेबाजी। चलो तो यहाँ पर हो चुकी है अगली गेंद, करने को तैयार रहेंगे। चलिए अगली गेंद आते हुए दोस्तों सामना करेंगे एक मरतबा फिर से जॉस बटलर स्ट्राइक के ऊपर, और एक और खूबसूरत शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, बहुत खूबसूरत छक्का आता हुआ दोस्तों यहाँ पर इस समय पे जॉस बटलर के बल्ले से, बहुत बेहतरीन 6 रन। क्या बात है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत शॉट ये लगा 1 ओवर 3 गेंदों पर 38, 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल के लिए हमें स्कोर देखने को मिलता हुआ, अगली गेंद करने को तैयार रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, और एक और छक्का आता हुआ राशिद खान के बल्ले से, बहुत बेहतरीन, काफ़ी लाजवाब, शानदार ये 6 रन आता हुआ। और इस छक्के के साथ अगर हम स्कोरबोर्ड की तरफ जरा गौर करें तो लगातार स्कोरबोर्ड में तब्दीली होती हुई, एक और खूबसूरत सा शॉट, 9 गेंदों में 43 पर पहुंच चुके हैं जॉस बटलर। कल तो हमने देखा कि भाई जॉस बटलर अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, क्या आज के दिन में शतक पूरा कर पाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। एक और छक्का आता हुआ जॉस द बॉस के बल्ले से, छक्के के साथ दोस्तों पहुँच जाएंगे 9 रनों के स्कोर पर। और यहाँ पर बहुत, आप देख सकते हो राशिद खान को धमकाते हुए जॉस बटलर दिख रहे हैं, और राशिद खान भी क्या करते हैं, डर के मारे वापस जा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। आप जरा इस शॉट को देखो, जब तक गेंद टप्पा खाती वहाँ पर दोस्तों उठा दिया था उसको बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, खूबसूरत ये शॉट था। चलिए अंतिम गेंद करने को तैयार रहेंगे और जॉस बटलर है स्ट्राइक के ऊपर,
और एक और छक्का आता हुआ, अंतिम गेंद गुगली कराई थी राशिद खान ने, लेकिन भाई जॉस द बॉस के फॉर्म के सामने बिल्कुल फीका साबित होते हुए राशिद खान इस तरीके से 55 रन बनाए दोस्तों बटलर ने, और एक रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, कुल मिलाकर के 56 रन बना पाए दोस्तों। राजस्थान की टीम 57 का टारगेट दिया है, देखते हैं क्या हो पाता है। फिलहाल के लिए इन सब चीज़ों को फटाफट दोस्तों हम करेंगे ख़त्म और जल्दी जल्दी मुकाबले को शुरू करते हैं कि नहीं। तो पहला ओवर एक काम करते हैं, हम जो है वो बोल्ट से करवा लेते हैं और उसके बाद जो है चहल से अगला ओवर करवाया जाएगा, वो आई गेस बहुत ईजी टास्क रहने। चलिए फटाफट दोस्तों मुकाबले को शुरू करते हैं। पहली गेंद यहाँ पर इस समय पे करने को तैयार रहेंगे ट्रेंट बोल्ट, और लेट्स सी पहली गेंद यहाँ पर के उठाकर जरूर खेला है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा यहाँ पर। और चलिए अब अगली गेंद इस समय पे मैथ्यू वेड आ जाएंगे स्ट्राइक के ऊपर, देखते हैं मैथ्यू वेड क्या कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट बड़े ही खतरनाक गेंदबाज है। पहली गेंद पर विकेट लेना इनको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, बाबर आजम, जो रूट, केन विलियमसन, और इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का विकेट इन्होंने चटकाया है। इस मुकाबले में फिलहाल के लिए मैथ्यू वेड को बचकर रहने की ज़रूरत है, बैकफुट पर से जा करके एक सिंगल लेने की ज़रूर कोशिश की थी और सिंगल लेने ले नहीं पाए क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर फील्डिंग देखने को मिलती हुई। तीन गेंदों में हो चले एक रन यहाँ पर, फिलहाल के लिए काफ़ी अनोखा शॉट लगाने की कोशिश की, गेंद बल्ले पर आई नहीं। चलिए अगली गेंद करने को तैयार रहेंगे दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, एक बार फिर से सामना करेंगे मैथ्यू वेड, तीन गेंदों में अभी तक एक भी रन नहीं बनाया उन्होंने, यहाँ पर आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, सीधा फील्डर के हाथों में खेल बैठे, यही रीज़न था कि कोई भी रन नहीं आ पाएगा। चलिए अंतिम गेंद करने को तैयार रहेंगे मैथ्यू वेड के सामने ट्रेंट बोल्ट, अंतिम गेंद डिलीवरी की और इस मरतबा पीछे बैकफुट पर से बहुत बढ़िया शॉट जरूर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, डॉट बॉल तो नहीं लेकिन एक रन आ पाएगा। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सिर्फ 2 रन, फिलहाल के लिए चहल से गेंदबाजी कराई जा सकती है, और जी हां ऐसा ही हुआ, चहल आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। क्यों यहां पर दोस्तों हम फील्डिंग को ज़रा चेंज कर लें, और यहां पर पहली गेंद दोस्तों युजवेंद्र चतुर चहल की मैथ्यू वेड के लिए, पहले ओवर में है 2 रन, और यहाँ पर मैथ्यू वेड के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का इस मुकाबले का। अब अगर 6 छक्के भी लग जाएंगे तो इस मुकाबले में जीत नहीं दिला पाएंगे दोस्तों मैथ्यू वेड गुजरात की टीम को। तो यहाँ पर रियल क्रिकेट गेम प्ले में तो भाई राजस्थान की टीम आईपीएल की 2022 की ट्रॉफी को अपने नाम करती हुई नज़र आ रही है, हालांकि इसमें आपको क्या लगा, यहाँ पर देखो कितनी ज़बरदस्त गेंदबाजी थी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी अपील। रिव्यू हम नहीं लेंगे भाई क्योंकि हमारे पास अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, 10 मिनट की ही वीडियो बनानी है ब्रदर। तो यहाँ पर फिलहाल अब चौथी गेंद में भी तीसरी गेंद ओवर की, और यहाँ पर बड़ा शॉट जरूर खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक बॉल गेंद सीधा फील्डर के पास जाएगी, तीन गेंदें हो चुकी और आए हैं सिर्फ 9 रन। तो कितनी अच्छी बैटिंग हुई, उससे भी लाजवाब यहाँ पर बॉलिंग करके दिखा रहे हैं राजस्थान के रजवाड़े, खास करके चतुर चहल चंचल, इन्होंने ऑलरेडी इस सीज़न में ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए शुभमन गिल के बल्ले से आता हुआ इस मुकाबले में उनका पहला छक्का और गुजरात की तरफ से दूसरे छक्का है इस मुकाबले का। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है, देखते हैं इन 2 गेंदों पर क्या हो पाएगा, क्या कुछ बड़े बड़े शॉट्स खेल पाएंगे चहल के सामने। और डॉट बॉल आता हुआ जिसकी उम्मीद थी, बिल्कुल ऐसा हुआ भाई। तो अब भाई 5 गेंदें हो चुकी है अंतिम गेंद आती हुई इस मुकाबले की, और यहाँ पर भाई अंतिम गेंद कैसी करानी है ये तो मुझे और आपको बड़े अच्छे से पता है कि नहीं। चलिए अंतिम गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में भी जीत दर्ज कर ली है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, आप देख सकते हो 38 रनों से इस मुकाबले में जीता, और इसी के साथ IPL की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले साल के IPL में। और अब जो है दोस्तों चैनल पर कुछ नई और कबड्डी की भी वीडियो जो स्ट्रीम आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।